गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हैंकी टक की वीडियो लेके आई हूँ, और आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करने आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टाइल में हैंकी टक करके दिखाऊंगी आप लोगों को, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन लेडीजों के लिए जो हैंकी को इस तरह से अपने साड़ी में टक करके रखती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हैंकी को हम लोग रखते हैं तो होता है कभी कभी मिस हो जाता है, छूट जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने साड़ी में अगर हैंकी को टक करके रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा और अच्छा भी लगता है स्टेप से। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। ये पहला है इस तरह से मैंने, तो मेरे पास ये वाली हैंकी थी तो मैं ये यूज करती हूँ, तो मैं ये आप लोगों को टक करके दिखा रही हूँ। और एक चाबी का जो होता है ना, चाबी वगैरह जो, वो भी टक करने की वीडियो रिक्वेस्ट आई थी, तो सॉरी अभी मेरे पास वो नहीं था यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मायके में हूँ। तो वो वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी गाइस। तो और ये साड़ी मैंने अपनी मम्मी की साड़ी आज वेयर की है, कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। और ये स्टेप से मैंने हैंकी को टक कर लिया है, और ये सेकंड स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टेप से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, सिंपल सा ही स्टाइल है और अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पर्सनली मैं इसे लगाती हूँ जब भी, मतलब या तो आप घर पे अगर काम वगैरह करते हो तो हाथ वगैरह होता है ना कभी कभी गंदे हो जाते हैं, तो हैंकी स्टेप से अपने अगर साड़ी में टक कर लेते हैं तो काम वगैरह करने के बाद इजली आप अपने हैंड को साफ कर सकते हैं, तो उस टाइम पर ये काफ़ी इजली होता है। और जब कभी हम लोग बाहर भी जाते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए, और ये यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज पहना वो मैंने रेडीमेड लिया है, कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने पहनी है, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। और ये सेकेंड स्टाइल है गाइस, अब मैं आप लोगों को थर्ड स्टाइल बताऊँगी। तो इस टाइप से मैंने हैंकी को टक कर लिया है, अब थर्ड स्टाइल में आप लोगों को बता रही हूँ। तो थर्ड स्टेप में मैं इस टाइप से हैंकी को इस टाइप से फोल्ड कर लूँगी गाइज। तो हाँ, इसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फोल्ड करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल सा ही मैं मतलब स्टाइल लेके आई हूँ। सो गाइज, इस तरह से मैंने यहाँ पर हैंकी को देख सकते हैं आप लोग, मैंने टक कर लिया है, और देख लीजिए अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश भी लगता है साड़ी के साथ, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगता, ख़राब नहीं लगता है। तो आप लोग इस तरह से इस कर सकते हैं। और देखिए, ये वाला सबसे मुझे अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट ये वाला मुझे लगता है, ये वाला इस टाइप से ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। आप ऐसे हैंकी को टक कर सकते हैं, इजली अपने काम भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो और देखिए, इस टाइप से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और अब तो लोग देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को। फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Me.